अगर भाई चिकन मटन नहीं बन पाएगा तो भाई नहीं चला। अजीत भाई को चाहिए, क्योंकि भाई अभी 9-10 दिन हो गया पूरा, कभी अभी तक चिकन नहीं खाया हम लोग। ये वाला टायर साइड से फट गया है, खैर अभी हवा इसमें बहुत है, अभी आगे में मिल जाएगा, पेट्रोल टैंकी है आगे में। बाकी यहाँ पर देख सकते हो साइड से पंचर हुआ है, ये हो गया है पंचर यहाँ पर देख रहे हो। आ गया भाई नाश्ता हम लोगों का गर्मा गर्म, 1 kg के आसपास है चिकन, और कलेजी अलग से और डलवाया है जो कि दिखाते हैं आप लोगों को। ये निकल गया दोस्तों चिकन, बढ़िया से इसको भी वाश करते हैं। तो ये चला दोस्तों कलेजी, अच्छी है, और ये कलेजी, और ये रहा भाई प्याज, मस्त कोको कोला डाल के चिकन कैसा लगेगा पता। तो ये चला अभी चिकन, तो दोस्तों चिकन अच्छी तरीके से हो चुका है फ्राई, अब जाएगा इसमें पानी। पुलिया में मिलेगा जाम, हाजीपुर का जो गंगा नदी वाला पुलिया है ना उस पे मिल सकता है जाम। तो दोस्तों जाम लगना चालू हो चुका है, देख सकते हो इधर पूरा जाम लग रहा है, उधर नीचे में देख सकते हो पूरा कार वाले लोगों का भी जाम लग रहा है। सुबह की गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय हम लोग अररिया पार करके करीबन 10 से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, बाकी अभी गाड़ी को साइड में लगाया है क्योंकि मुँह कान धोना है, फ्रेश वगैरह होना है। तो अजीत भाई अभी मुँह कान धोएंगे फिर उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे, बाकी अजीत भाई अभी नाइट से ड्राइव कर ही रहे हैं। तो हम लोग ना अररिया से पहले पहले ही रुक गए थे, कितने किलोमीटर पहले रुक गए थे, मतलब 20-30 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे क्योंकि नींद आ रही थी बहुत जोरोदार वाली, इसके वजह से अजीत भाई ने लगाई साइड गाड़ी को, उसके बाद में हम लोगों ने आराम उराम किया, फिर उसके बाद में वहाँ से अभी सुबह सुबह निकले हैं। बाकी देख सकते हो अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है, मस्त पेड़ वेड़ का छाया है यहाँ पर, तो यहीं पर गाड़ी को अभी लगाए हैं और यहीं पर मुँह कान धो के अजीत भाई फिर उसके बाद में अभी निकलते हैं। हम तो भाई फ्रेश वगैरह हो गए हैं ये देख सकते हो, तो मुँह कान धोना वगैरह तो हो गया दोस्तों, बाकी यहाँ से अभी निकलते हैं और नाश्ता वगैरह जाके अभी करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं आगे में बढ़िया सा रुक के, क्योंकि अभी तो हम लोग बिहार में घुस गए हैं, आसाम और क्या नाम है इसका बंगाल में, मेरे को नाश्ता समझ ही नहीं आता है उधर का, मुर्रा उर्रा देते हैं साथ में मिक्स करके वो क्या क्या डाल डुला के, तो मैं उधर का नाश्ता मतलब किया ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम एक बार बस किया था, उसके बाद में नहीं किया। उसके बाद तो हम लोग खुद खाना पीना बना के खाते हैं, अपने पास नाश्ता वगैरह कुछ भी कुरकुरे उरके पड़े रहते हैं तो वही खाते हैं। बाकी अभी तो अजीत भाई रामनवमी खत्म हो चुका है ना, तो अब कल से बनाएंगे चिकन उकन, क्या दिक्कत है एकदम भाई है ना? नहीं 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 का है भाई, आप तो खत्म हो गया ना, तो आज बनाएंगे भाई चिकन। अरे आज नहीं यार, काहे के लिए भाई, देख भाई सिंपल सी बात है, चिकन मटन नहीं बनेगा गाड़ी में, तो हम जा रहे हैं घर, ठीक है हमको घर छोड़ देना। ये तो और कहीं का कॉपीराइट क्लेम मार रहा है, कॉपीराइट पेस्ट कर रहा है भाई, किसका है आप लोग कमेंट करके बताना, ये वाला जो अजीत भाई बोल दिए कि चिकन मटन भाई, कॉपी किसी का भी हो मैं बोल सही रहा हूँ, ठीक है अगर भाई चिकन मटन नहीं बन पाएगा तो भाई नहीं चला पाएंगे गाड़ी। अजीत भाई को चाहिए, क्योंकि भाई अभी 9-10 दिन हो गया पूरा, कभी अभी तक चिकन नहीं खाया हम लोग। अरे कोई बात नहीं यार, स्वाद उड़ गया है भाई। अरे ये वाला वर्ड आप लोगों को पता ही होगा कौन यूज करता है बहुत ज्यादा, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप लोग तो समझदार है ही हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना कमेंट, ठीक है। ऐसे तो आज चिकन हम लोग बनाएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोगों को थोड़ा सा समझ रहे हो ना। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं आगे में नाश्ता वगैरह करते हैं। अजीत भाई चलो, और अजीत भाई तो ऐसे ही फुल गाड़ी सीख गए हैं यार, पता है फुल गाड़ी चला रहे हैं अभी, फुल मजा आ रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है भाई, रोले जमा रहे रोले। चलते दोस्तों कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों अररिया से करीबन 50 किलोमीटर हम लोग भाई रनिंग किए हैं, और नाश्ता का दुकान खोजते खोजते आए भाई, मिला ही नहीं, लेकिन एक तो काम हो गया भाई, क्या करें, टायर पंचर हो गया। कौन सा वाला टायर, अंदर वाला है क्या? ये वाला टायर साइड से फट गया है, खैर अभी हवा इसमें बहुत है, अभी आगे में मिल जाएगा, पेट्रोल टैंकी है आगे में, तो चलते हैं आगे में, यहाँ पे पेट्रोल टैंकी सामने वहीं पे ही बनवा लेते हैं। अभी हवा है, धीरे धीरे निकल रहा है, जब तक पहुंच जाएंगे। चल यार चल 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 आगे में, चल फटाक से।
तो आ चुके हैं दोस्तों, बाकी अभी बनवा लेते हैं टायर को, मशीन से खुल जाएगा फटाफट। वो अंदर वाला टायर फट गया है ना, अंदर से थोड़ा सा बगल से फट गया। तो अभी अजीत भाई अभी जेक लगा रहे फटाफट, लगा के उसके बाद में अभी उस टायर को निकाल देते हैं बाहर और देखते हैं वो टायर बनेगा तो उसको बनवाते, नहीं तो फिर स्टेपनी लगवाना पड़ेगा क्योंकि बगल से फटा हुआ है, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस टायर का भाई यहाँ से फॉल्ट हो गया, देख रहे हो यहाँ से फट गया है, ये देखो। तो अभी निकाल रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं पेच उच लगवाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्टेपनी लगवाएंगे। देखते हैं ये लोग साइड में इसका लगवाना पड़ेगा पेच, ये पेच लगवा रहे हैं और एक ठो बीच में क्या है ना यहाँ पर छेदा हो गया है तो गेटर भी लगवा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो साइड से पंचर हुआ है, ये हो गया है पंचर, यहाँ पर देख रहे हो चाप दिया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये देख रहे हो बाकी सब ठीक है। तो अभी चलते हैं नाश्ता उसका कर लेते हैं, नाश्ता भी नहीं किए हैं यहीं पे बगल में ही है, करते हैं उसके बाद में ये जब तक भैया लोग बना के रखेंगे। ठीक है आप लोग बना के रखो, हम लोग नाश्ता करके आ रहे भैया। ऑटो खड़ा है वहाँ पर, हुआ था दोस्तों पंचर नीला वाला और बाकी यहाँ पर आके बनवा रहे हैं, तो जल्दी बन जाएगा उसके बाद निकल जाते हैं। गाड़ी भी हाईवे पर लगी हुई ना, बिना मतलब का हॉर्न मार रहा है ये। अभी बगल में नाश्ता का दुकान है, चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं, क्या मिलेगा, लिट्टी चोखा वगैरह मिलेगा और क्या मिलेगा। फिर लिट्टी है दोस्तों, यही नाश्ता हम लोगों का चलेगा, कर लेते हैं नाश्ता फिर उसके बाद में निकलते हैं, जब तक टायर भी बन जाएगा नाश्ता भी हो जाएगा हम लोगों का। आ गया भाई नाश्ता हम लोगों का गर्मा गर्म, दोस्तों टायर तो बन चुका है, अभी फिट कर रहे भाई, करते हैं। भाई दोस्तों टायर वगैरह फिट हो चुका है, देख सकते हो ये वाला टायर में पता नहीं किस टाइप का दरार आ गया है, देख रहे पूरा राउंडिंग में। अभी इसको लगा दिए और बाकी अभी जेको उतर रहा है, फिर उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों काम हो चुका है भाई और दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, 12:30 क्या 1 बजने वाले हैं भाई। अब चलते हैं आगे में कहीं पे रुकते हैं, नहीं तो देखते हैं कहीं पे खाना पीना व्यवस्था देखना पड़ेगा, शाम तक तो बना बना के खा पी के रात में निकलेंगे और रात में पार करेंगे पटना को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है ना, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है इसके वजह से। बाकी अभी यहाँ पे बैठे हुए थोड़ा ठंडा ठंडा बढ़िया लग रहा है इधर, है ना, पंखा भी चल रहा है पीछे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर में भी बढ़िया हवा चल रहा है। बाद में खाना पीना बनाना है ऐसे सोच रहे हैं, तो देखते हैं आगे में मिलता है कहीं पर तो उसके बाद में ले लो आके भाई बनाते खाते हैं, फिर आगे का सफ़र अपना नाइट में होगा उधर का पटना साइड का, क्योंकि नाइट में 8-10 बजे तक ना इतना मोटरसाइकिल वाले लोग रहते हैं ना, हालत ख़राब हो जाती है इसके वजह से। तो दोस्तों अभी हम लोग दरभंगा में आके रुके हुए हैं, बाकी पेट्रोल टैंकी पे रुके हुए थे क्योंकि गाड़ी भी गर्म हो गई थी, भाई को बोला लिया भाई ठंडा पानी थोड़ा पेट्रोल टैंकी में मिलता है, तो लेके आया 2 बोतल। प्याज भी बहुत जोरदार वाली लग रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी 3:30 बज चुके हैं दोस्तों, चिकन खोजते खोजते आ रहे नहीं मिल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी ठंडा पानी पी लेते हैं, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से ये होता है दोस्तों कि क्या कहते हैं प्याज भी नहीं बुझती है और अलग से फैट भी जम जाता है, फैट समझते हो ना, जो चर्बी होता है वो चर्बी बढ़ जाता है ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, जो मोटा आदमी है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, जैसे कि मैं। तो दोस्तों दरभंगा पार करके हम लोग वही अभी खड़े हैं, बाकी चिकन वगैरह हम लोगों ने ले लिया पीछे में ही, जो कि देख सकते हो 1 kg के आसपास है चिकन, और कलेजी अलग से और डलवाया है जो कि दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये निकल गया दोस्तों चिकन, तो बढ़िया से इसको भी वाश करते हैं, ये देख सकते हो कलेजी, इस बार मैंने ज़्यादा लेके आया, बहुत दिन से कलेजी खाने का मन था, ये देखो। तो ये सबको बढ़िया नींबू डाल के धोते हैं अच्छी तरीका से, तो डाल देते दोस्तों अभी नींबू एक ठो पूरा काट के भाई अच्छी तरीका से, ऐसे में वाश हो जाएगा, नहीं नींबू निचोड़ दिए दोस्तों, बढ़िया से देख सकते हो फ्रेश एकदम, और कलेजी को करते हैं अलग क्योंकि
कि कलेजी को भाई फ्राई करके निकालेंगे हम लोग खाने के लिए, और चिकन का बनेगा सब्जी। तो अभी कलेजी को बढ़िया फ्राई करके निकालते हैं हम लोग, उसके लिए थोड़ा सा तेल डाल दिया और जीरा डालता हूँ, और कलेजी को बढ़िया फ्राई करके निकालते हैं खाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन है और प्याज है और क्या नाम है इसका, मिर्ची है बस। तो तेल हो चुका है गरम और डाल दिया जीरा, थोड़ा जीरा को लाल होने देते हैं और डालते हैं इसमें ये तो। तो ये चला दोस्तों कलेजी, दोस्तों मसाला वसाला डाल दिए, नमक वमक डाल दिए बढ़िया से, और इसको फ्राई कर लेते हैं और बढ़िया से एकदम, उसके बाद में निकालते हैं और खाते हैं भाई। देख रहे हो क्या मस्त दिख रहा है, तो देख सकते हो बढ़िया से फ्राई करके निकाल चुके हैं। ये मिर्ची है और ये कलेजी और ये रहा भाई प्याज। स्वाद आ गया भाई। तो आज खा रहे दोस्तों हम लोग कलेजी, देख सकते हो बहुत दिन के बाद भाई। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, अभी खड़ा मसाला डाल दे रहे हैं और बढ़िया से इसको भून लेते हैं, उसके बाद में इसमें जाएगा प्याज मिर्ची लहसुन। तो ये चला दोस्तों मिर्ची और लहसुन, ये गया प्याज, तो प्याज को दोस्तों बढ़िया से लाल कर लेते हैं, देख सकते हो अभी इसको बढ़िया से लाल कर रहे हैं। और किसी दिन दोस्तों बनाएंगे पता है मस्त कोको कोला डाल के चिकन, कैसा लगेगा पता नहीं, लेकिन ये मेरे दिमाग में ख्याल आया, बनाते हैं एकाक बार। ज़्यादा ही डालेंगे कोक, थोड़ा सा डालेंगे एकाक पाव के आसपास, है ना, उसके बाद बना के डाल के देखते हैं कैसा बनता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों बढ़िया तरीका से प्याज एकदम लाल हो चुका है, प्याज को एकदम लाल करके बनाओगे ना अलग ही स्वाद आता है भाई। तो ये चला अभी चिकन, अब इसको भून लेते हैं अच्छी तरीका से, और एक चिकन बहुत ही बढ़िया बनेगा, लाजवाब चिकन बनेगा हम लोगों का आज का। तो दोस्तों देख सकते हो चिकन को इस तरीके से हमने भूजा है, कितना बढ़िया लाल हो गया है, ये देखो चिकन तो बढ़िया लाल हो गया है। अभी जाएगा इसमें टमाटर, ये लो, और डालेंगे इसके साथ भाई नमक। अब इसको बढ़िया से ढक देते हैं, गल जाएगा। तो अब चला लेते हैं दोस्तों कलछुल। अब टमाटर बढ़िया से गल जाएगा, फिर उसके बाद में डालेंगे इसमें मसाला। देख सकते हो यहाँ पे मसाला तैयार करके रखे हुए हैं, बस थोड़ा सा अच्छा से फ्राई हो जाए। तो टमाटर तो दोस्तों अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अभी जा रहा है इसमें मसाला, सब मसाला मिक्स कर दिए बढ़िया से, ये है देखो हो गया। अब इसको बढ़िया से भून लेते हैं, तो दोस्तों चिकन अच्छी तरीके से हो चुका है फ्राई, अब जाएगा इसमें पानी। तो चावल के साथ खाना ऐसे हम लोगों को, तो पानी देख के डालना पड़ेगा। तो देख सकते हो हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पे चिकन करी और चावल है भाई, तो चिकन करी और चावल खाएंगे आज बहुत दिन के बाद। तो पहले चावल निकाल लेते हैं, देख दोस्तों खाना निकाल दिया अजीत भाई ने, तो अभी इसमें नींबू निचोड़ लेते हैं, नींबू निचोड़ के खाने में मजा ही आ जाता है। चावल काफी गर्म है और सब्जी तो बढ़िया बन गया हम लोगों का, पीस सब एकदम मस्त बन गया है।
मस्त बना है दोस्तों हम लोगों का चिकन। चिकन पीस स्वाद लग गया दोस्तों, स्वाद उड़ गया था मुंह का। तो दोस्तों रात के इस समय बज चुके हैं 7:30 और हम लोग अभी निकल चुके हैं भाई, अभी मुजफ्फरपुर पार कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जाम था इस घोड़े वाले टांगे वाले के वजह से, जो कि पार कर चुके हैं इसको भी। तो दोस्तों रात के इस समय बज चुके हैं 7:30 और वहां से हम लोग खाना उना खा के 6 बजे निकल गए थे। बाकी अभी हम लोग पार कर चुके हैं अपना मुजफ्फरपुर पार कर चुके हैं, हाजीपुर पुलिया पहुंचने वाले हैं। यहां से अभी बचा हुआ है 70 किलोमीटर बचा हुआ है हाजीपुर अभी। तो अभी रास्ता अपना मुजफ्फरपुर में लगा हुआ था जाम, बहुत टाइम से फंसे हुए थे वहां पे और अभी निकल चुके हैं। देख सकते हो इधर पूरा अभी खाली है रास्ता, बढ़िया। तो अभी दबाते हुए इधर से निकाल देते हैं, मुजफ्फरपुर में ही बस लगता है थोड़ा सा जाम, उसके बाद टेंशन नहीं है। और बाकी फिर हम लोगों को पुलिया में मिलेगा जाम, हाजीपुर का जो गंगा नदी वाला पुलिया है ना, उस पे मिल सकता है जाम। देखते हैं अभी चलते तो पता चलेगा, है ना। तो हाजीपुर का पुलिया गंगा नदी के ऊपर हम लोग भाई आ चुके हैं, बस इसी का थोड़ा सा हेडेक है क्योंकि इसी में ही लगता है तगड़ा वाला जाम। तो अभी हम लोग दबाते हुए इसमें निकाल लेते हैं और आज तो ऐसे जाम उम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, आगे जाने के बाद पता चलेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है ब्रिज, ऐसा टाइप का है और बहुत ही बढ़िया मेटल का बना हुआ है, देख रहे हो पूरा एकदम कवर करके बढ़िया सा। तो ये पार करते हैं दोस्तों इसको, उसके बाद में उधर का भी जाम उम पार करना पड़ेगा। आज तो बढ़िया जाम नहीं लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ इसी जगह में ही भाई पूरा मतलब एक एक दिन तो मतलब बिता ही देते आदमी, सुबह रात से लेके सुबह हो जाता है, ऐसा टाइप का यहाँ पे जाम लगता है ना। लेकिन अभी तो ठीक ठाक है, अभी दबाते हुए निकाल दे रहे हैं। जितनी भी गाड़ी है सब ना इसके ऊपर आती है तो भाई दबाते हुए निकाल देते हैं, क्योंकि उधर से जितना जल्दी इधर से निकल जाए उधर ना वही ठीक रहता है। तो ठीक है हम लोग भी इसको पार करते हैं। जाम लगना चालू हो चुका है, देख सकते हो इधर पूरा जाम लग रहा है, उधर नीचे में देख सकते हो पूरा कार वाले लोगों का भी जाम लग रहा है, देख रहे हो। बाकी नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, बस ये थोड़ा सा ये जाम लग रहा है इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो यहाँ से कितना टाइम में निकलेंगे, यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है और रात के इस समय भी बज चुके हैं 10:30 हो चुके हैं, अब देखते हैं कितने बजे तक यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों 0 माइल का चौक अभी पहुंचे हैं हम लोग, करीबन रात के 11:30 बजे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हम लोगों को वहीं से। मात्र यहाँ पर ना 500 मीटर 1 किलोमीटर का बस वो रहता है गैप रहता है, लेकिन इसी बीच में बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, जो कि अभी धीरे धीरे इसको पार कर ले रहे। चौक है 0 माइल का, तो यहाँ से हम लोग अभी मारेंगे राइट साइड। जगह नहीं है फिर भी भाई ये लोग गाड़ी को डालने में लगे रहते हैं। अभी मेरे साइड में जगह नहीं था, इतना हॉर्न मारते हुए निकाल रहे भाई गाड़ी को। तो दोस्तों इस समय रात के बज चुके हैं 1 और अभी हम लोग पटना में ही है क्योंकि जाम लगा हुआ था बहुत भयंकर वाला, तो अभी थोड़ा खुला है लग रहा है, जो भी देख सकते हो गाड़ी थोड़ा खाली अभी चल रही है। तो इतना ज्यादा जाम लगा हुआ था ना दिमाग खराब हो गया भाई, दिन में आओ चाहे रात में आओ एक ही हाल है यहाँ पर, अच्छा भाई कभी भी आ जाओ वही ठीक है उसके। अच्छा तो ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद हो भाई लाइक कर देना, नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, टाटा बाय बाय दोस्तों।